बिंदु बिंदु अमृत सिंधु तिमिर नाशिनी ज्योतिका कण कण कृष्ण समाहिता मुक्तिदायिनी द्वारिका। गुजरात के पश्चिम में रत्नाकर सागर के तट पर बसा जिला है देवभूमि द्वारका। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ यहीं समुद्र तट पर आकर बसे थे। अपने लोगों के लिए उन्होंने बनाई थी स्वर्ण नगरी द्वारका। कहते हैं कि यहाँ समुद्र के बीच में स्थित बेट द्वारका द्वीप पर ही श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। गोमती नदी के तट पर स्थित इस पवित्र भूमि पर प्राचीन एवं भव्य द्वारकाधीश मंदिर और इसके सानिध्य में कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश की इस पावन भूमि के दर्शन को आते हैं। श्री कृष्ण के शासन के स्वर्ण काल का साक्षी बना द्वारका आज भारत के अमृत काल में साक्षी बनने जा रहा है आस्था और आधुनिकता के मिलन का। क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारका की इस पवित्र धरा से गुजरात और देश के चरणों में देने जा रहे हैं 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रकल्पों की सौगात, जिसमें प्रमुख है रत्नाकर सागर में ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता 980 करोड़ रुपयों की लागत से बना केबल स्टेड सुदर्शन सेतु, आकर्षक और आलिशान इंजीनियरिंग की एक अद्भुत कमान। यहां आने वाले पर्यटकों को बेट द्वारका तक पहुंचने में अभी तक नावों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब इस सेतु की वजह से यात्रा बेहद तेज और सुरक्षित होगी। वहीं बेट द्वारका के लोगों को भी सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। अत्याधुनिक तकनीक से बना ये ब्रिज 30 मीटर चौड़ा है और 2.25 किलोमीटर से अधिक लंबा। इसके 500 मीटर लंबे मध्य हिस्से को भूमि का आधार न लेते हुए सिर्फ केबल के द्वारा धारण किया गया है। इस प्रकार के कर्व लाइन पाइलॉन के उपयोग से बना भारत का यह सबसे पहला और विश्व का दूसरा ब्रिज है। ब्रिज की संरचना में शामिल है 152 केबल जिनका कुल वजन 1,500 टन है और केबल की लंबाई है पूरे 1,811 किलोमीटर। ब्रिज के दोनों ओर भगवद गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण के प्रतीक एवं सौर पैनल और व्यूइंग गैलरी जैसे आकर्षण हैं। ये ब्रिज से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के पर्यटकों को श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करेगा सुदर्शन सेतु। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 620 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत जामनगर के सिक्का थर्मल प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम का भूमि पूजन और कालावड़ में 12.5 मेगावाट सौर पावर परियोजना का शुभारंभ। साथ ही भारत सरकार के वाडिनार में ट्विन ऑफशोर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स नवीन प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक बनेंगे। इसी प्रकार 300 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से धोराजी जाम कंडोरणा कालावड़ मार्ग के विस्तृतीकरण और मजबूतीकरण से राजकोट जामनगर जूनागढ़ और पोरबंदर के औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग यार्ड्स तक मिलेगी सुदृढ़ कनेक्टिविटी। तो राजकोट जेतलसर सोमनाथ एवं जेतलसर वानस जालिया और राजकोट ओखा के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन की 600 करोड़ रुपयों से अधिक की रेल सेवाओं के प्रकल्पों का भी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं लोकार्पण। इन परियोजनाओं के पूरा होने से इस इलाके के लोगों को अब विद्युतीकरण से तेज एवं इको फ्रेंडली रेल सेवा उपलब्ध होगी तथा द्वारकाधीश आने वाले श्रद्धालुओं की भी यात्रा सुगम बनेगी। वहीं 100 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से जामनगर में बनने जा रहा है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, जो कि युवाओं की वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु उन्हें प्रेरित करेगा। इसी प्रकार जामनगर में 100 करोड़ से अधिक रुपए के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज जैसे कार्य नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग में अभिवृद्धि करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में विकास के ऐसे ही प्रकल्पों से गुजरात अमृत काल में भी बनेगा भारत का ग्रोथ इंजन। त्रेता युग में भगवान श्री राम का राम सेतु और अब अमृत काल में
भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन सेतु। ये बनेंगे भारत की भव्यता और वैश्विक विरासत का आधार। विकास और विरासत की मोदी जी की गारंटी के समान ये प्रकल्प विकसित भारत, विकसित गुजरात की परिकल्पना को करेंगे साकार।